रविवार सुबह बसपा प्रत्याशी मनोज सोनी ने बोदला में प्रजापति वाटिका में वाल्मीकि समाज के साथ बैठक की। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद मांगा। बसपा प्रत्याशी ने वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके स्वाभिमान सम्मान का मान रखने का आश्वासन भी दिया। देखिए, हम और वाल्मीकि समाज को अलग नहीं है, हम दलित हैं और दलित थे और दलित रहेंगे, और ये तो हमारा अपना समाज है, और वो गोदी में और सिर पर उठाकर मुझे घूम रहा है, और मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। पूरा वाल्मीकि समाज लामबंद हो गया है, क्योंकि देखिए आज उसके समाज वाल्मीकि समाज की हक्की रोटी दूसरा आदमी छीनने जा रहा है, और ये बहुत गलत बात है भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते हैं, और वो परेशान है क्योंकि वाल्मीकि समाज लामबंद हो चुका है। मैं लगातार जा रहा हूँ क्षेत्रों में और सब जगह से ये रिपोर्ट मिली, पूरा सहयोग मिल रहा है, और पूरा वाल्मीकि समाज एक लामबंद हो गया है कि मनोज सोनी को यहाँ से सांसद बना के भेजना है। बसपा जिलाध्यक्ष रविंद्र पारस और सपा नेता राहुल चतुर्वेदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद उन्होंने महानगर की वाल्मीकि बस्तियों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आज उत्तर विधानसभा के अंतर्गत जो आवास विकास है, उसमें सेक्टर 9, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7 में यहाँ बड़े संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। यहाँ रिटायर कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के रिटायर कर्मचारी, रिटायर अधिकारी, आज उनके यहाँ बैठक बुलाई गई है, और सभी लोगों ने संकल्प लिया है और विश्वास के साथ कि संपूर्ण वाल्मीकि समाज, जनपद आगरा का संपूर्ण वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी श्री मनोज सोनी को जिताने का काम करेगा। जो चुनाव होने वाला है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसमें हमको अपने मत का प्रयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजना चाहिए जो वाकई में आगरा को एक मॉडल के रूप में बनाए, आगरा को एक स्वच्छ भारत के रूप में बनाए। भाई मनोज सोनी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर मीटिंग चल रही है, आप सभी लोग अपने मत का प्रयोग, अपने मत का अधिकार अच्छी तरह करें और सोच समझ कर 18 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छा व्यक्ति यहाँ से सांसद चुन सके और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर अपने आगरा की तस्वीर बदल सके। हम लोग वाल्मीकि समाज के लोगों का हमें आज बहुत बड़ा आश्वासन मिला है कि हम लोगों के साथ में वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से वोट देने का काम करेगा 18 तारीख को। देखिए, ठगे गए हैं ये लोग, भाजपा के माध्यम से ठगे गए हैं, रोजगारी से ठगे गए हैं, बेरोजगारी से ठगे गए हैं और झूठे वादों से ठगे गए हैं, और इनको काम सपने दिखा के काम वही करवा रहे हैं। मोदी साहब को एक संदेश देना चाहूँगा, पैर धोने से रोजगार नहीं मिलता है, आप इनको अपने मन में बसाइए और उनको रोजगार दीजिए। आगरा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान है। इस लोकसभा सीट पर 19 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बसपा प्रत्याशी मनोज सोनी के साथ सीधा मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीता हरित अपने कार्यकर्ताओं के असंतोष से गुजर रही हैं। यही वजह है कि उनका चुनावी अभियान सिर्फ उनके कार्यालय और प्रत्याशियों के इर्द गिर्द ही दिखता है, पार्टी प्रत्याशी के पास संसाधनों का अभाव दिखता है। वहीं बसपा प्रत्याशी को जहां गठबंधन के परंपरागत मतदाताओं के साथ ही ओबीसी और दलित वर्ग की अन्य जातियों का भरोसा है, तो भाजपा प्रत्याशी अपनी छवि के साथ ही पीएम मोदी के नाम पर चुनावी समर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।